क्या आप कर रही सिर्फ झूठ की सियासत? आधी रात को फैलाई ऐसी अफवाह, सुबह उठते ही ईडी को करना पड़ा खंडन। संजय सिंह का खोल गया कागजों वाला खेल, केजरीवाल अभी नहीं जाएंगे जेल, सर्दी में छोड़ना पड़ेगा शीश महल। ईडी के सामने लिखित परीक्षा क्यों देना चाहते हैं केजरीवाल? सुनते ही कहेंगे ऐसा तो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 3 जनवरी की रात 11:50 पर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ट्वीट करती हैं। सुबह सुबह केजरीवाल की घर ईडी का छापा पड़ने वाला है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही ट्वीट सौरभ भारद्वाज भी करते हैं, सोशल मीडिया पर माहौल बनाने लगते हैं। कड़ाके की सर्दी में सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली सीएम आवास के पास पहुंचने लगते हैं। नतीजा दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। जैसे ही सुरक्षा बढ़ती है मीडिया को भी लगता है कि केजरीवाल के घर लगता है छापा पड़ने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि ये सब आम आदमी पार्टी की झूठ की सियासत का एक हिस्सा था। ईडी के अधिकारियों ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में साफ साफ कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी की कोई प्लानिंग नहीं है, हम उन्हें 4th नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो पत्र भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि सर्दी में केजरीवाल को अपना शीश महल नहीं छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये अलग बात है कि ईडी हो या फिर सीबीआई, बताकर छापा नहीं मारती है, लेकिन जो माहौल आम आदमी पार्टी बना रही है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार न कर ले। इसीलिए केजरीवाल ने लिखित में जो जवाब भेजा है उसमें कहा है कि आप सवाल मुझे लिखित में भेजिए, हम आपको जवाब लिखित में भेजेंगे, सामने आने की क्या जरूरत है। मतलब केजरीवाल ईडी के सामने लिखित परीक्षा देना चाहते हैं, जो कि देश के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर जांच एजेंसियां लेटरबाजी करेंगी तो फिर पूछताछ का क्या मतलब रह जाएगा। ऐसे तो कोई अपने राज खुद बताएगा ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता वैसे भी कागजों का पुलिंदा लेकर किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं। आपको याद होगा जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे तो हर चीज पर कागजों का पुलिंदा लेकर आ जाते थे और कहते थे कि हमारे पास सबूत है जी, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पर जब नेताओं ने मनहानी के मुकदमे शुरू किए तो केजरीवाल ने आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति थोड़ी कम कर दी। पर उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनसे कुछ नहीं सीखा, बल्कि वो केजरीवाल की राह पर ही चल पड़े। नतीजा ये हुआ कि तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ की एक अदालत ने 3 जनवरी को संजय सिंह पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया और ये भी कहा कि अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो फैसले की तारीख से 6% ब्याज भी देना होगा। और ये सजा उन्हें बेवजह आरोप लगाने को लेकर मिली है, क्योंकि संजय सिंह ने यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार का खेल देख नटवर लाल भी शर्मा जाए। ये घोटाले योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्री की देखरेख में और निगरानी में हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये आरोप इतने गंभीर थे कि संजय सिंह अगर सबूत पेश कर देते तो शायद मंत्री जी को कुर्सी से हाथ धोना पड़ता, पर संजय सिंह ने बिना सबूत इतनी बड़ी बात बोली, इसीलिए मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उन पर जुर्माना लगा दिया है। जो आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि हर पार्टी के नेता के लिए एक बड़ी सीख है कि बिना सबूत आरोप नहीं लगाने चाहिए। खुद राहुल गांधी भी बड़बोलेपन की सजा कई बार भुगत चुके हैं, बावजूद इसके कोई नेता इनसे सीख नहीं ले रहा है। अब जिस तरह की अफवाह आधी रात को आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने फैलाई, क्या उस पर भी एक्शन होना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट कर बताएं।